कि टेव आईटीसी पे हो सकता है, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आपको इस वजह से आईटीसी कमजोर मिले तो आप उसको छोड़े ना। कुछ आईटीसी पे क्या व्यू, स्पेशली इन लाइट ऑफ उसके अंदर एक कंसोलिडेशन, मामूली करेक्शन, जिन्होंने एक राउंड डबलर का खेला हुआ है वो निकल गए, सेकेंड राउंड शुरू हो रहा है क्या? जी अजय, बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा इसको हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं डिप आया ही नहीं था, कहीं ना कहीं साइडवेज ही हो गया था, बट अदरवाइज इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। और इनफैक्ट अगर हम इस यू नो जो वेरी नियर टर्म मीडियम टर्म के व्यू से देखें तो जो डिप आया था दैट इज एक्चुअली वेरी हेल्दी थिंग फॉर द स्टॉक टू हैपन। और वहां से जो स्टॉक ने एक रिबाउंड दिखाया है, रादर जो एक अपमूव शुरू किया है, देखिए 400 की हम काफी समय से बात कर रहे थे, अब 400 को क्रॉस किया है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं कोई यू नो स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं दिख रहा, इनफैक्ट यू नो इट्स लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द चार्ट्स। इसको आप पोजिशनल प्ले में लेना चाहें तो 450 के टारगेट्स के लिए यू नो बाय करके होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तो भी 425 के जो जोन हैं इन टारगेट्स के लिए आप बाय करके चलें। स्टॉप लॉस जो है इसको आप 405 के करीब रखें। पार्थे कर लेते हैं, पूरा पैनल हमारे साथ इस समय जुड़ा हुआ है फंडामेंटल चार्ट सब पे बात करने के लिए, और मेरी नज़र जा रही है बायोकॉन पे। आपको याद होगा बायोकॉन हम करीब एक डेढ़ महीने से आपको डिस्कस कर रहे हैं, 180 के भाव से बायोकॉन 200 के भाव से 230 पे आ गया, धीरे धीरे मूव कर रहा है। कल बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो इसका एक आर्म है वहाँ पर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ने, मिस्टर पूनावाला ने एक स्टेक लिया है, लेकिन इसका एक महीने तीन महीने का ग्राफ लेके आई है। अगर सारे स्टॉक्स की बात करें, और चल गया, डिवीज चल गया, सिप्ला चल ही रहा है, लुपिन भी चला नीचे से, बायोकॉन सबसे धीरे धीरे चल रहा है। ये देखिए 12% एक महीने, 25 रुपये, 200 वाला 232। संतोष, बायोकॉन के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या ये 250 रुपये के लिए तैयार है नियर टर्म में और फिर 275? यस, बायोकॉन की बात करें तो यहाँ भी एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, एक लंबे पेनफुल पीरियड के बाद यहाँ एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है जो एक बुलिश साइन होता है। हालांकि इसका जो जब भी ये ऊपर आता है तो 100 डे मूविंग एवरेज को रिस्ट्रिक्ट करता है अपसाइड के लिए, तो वो अभी आ रहा है 240 पे, तो हो सकता है अभी 10 रुपये का अपसाइड और देखने को मिले 240 पे, वहाँ कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन ये जैसे ही 240 का लेवल निकालेगा हमको एक रैली इसमें 260 रुपये तक की देखने को मिल सकती है, तो व्यू बुलिश है। 240 पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है, लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए, नीचे 220 का एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस बनता है आपके लिए पोजिशनल बेसिस पर। हालांकि कुछ लोगों का मानना है